नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में, मानचित्र के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी झीलों के बारे में, किसके? ऑस्ट्रेलिया की झीलें, इसमें सभी महाद्वीपों की प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग जान चुके हैं अभी तक। तो याद रखिए, अगर आपने पुराने लेक्चर मैप्स से संबंधित नहीं देखे हैं तो वो सभी मैप्स या मानचित्र के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। इसमें हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेने वाले हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। विश्व के प्रमुख मरुस्थल देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार विश्व पूरा देख लें, हर महाद्वीप का स्थिति जान लें, कहाँ कौन महाद्वीप है। आखिर ये है हमारा प्यारा पृथ्वी। इसमें हमारा प्यारा, सबसे पहले इंडिया, ये है हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है। यहाँ है हमारा इंडिया, ये आपका एशिया है पूरा ऊपर तक, ठीक है। यहाँ आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। नीचे चलें तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। फिर आपका ये दक्षिणी अमेरिका है, ऊपर आपका उत्तरी अमेरिका है, ठीक। तो ये प्रमुख महाद्वीप आपके। ठीक है, ये आपका एशिया, ये आपका यूरोप, कुछ भाग यूरोप में भी लगते हैं कुछ देश, और दोनों में आते हैं, यूरोप में भी एशिया में भी। ये आपका अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया नीचे, ठीक है। न्यूजीलैंड, पपुआ न्यूगिनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया है, मंगोलिया, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, ये देश, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस हो ही गया, ईरान, सीरिया, ओमान, यमन, सऊदी अरब, तुर्की, ग्रीस, इटली, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, यूक्रेन, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ठीक है। ये आपका दक्षिण अफ्रीका है। फिर इसमें चार, लीबिया, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, गिनी, माली, बुर्किना फासो, घासो, घाना, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान, इथोपिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये दक्षिण अफ्रीका है, नामीबिया, ठीक है, ये प्रमुख देश हैं आपके। फिर आपका ये दक्षिणी अमेरिका है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली, पराग्वे, बोलीविया, ब्राजील, सुरीनाम, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला, निकारागुआ है, क्यूबा है, ग्वाटेमाला है। फिर उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ठीक है, ये आपके पूरे सभी देश। तो चलिए अब हम इनकी स्थिति देखते हैं, ठीक है। ये है आपकी प्यारी पृथ्वी, ठीक है, इसमें आपके क्लियर दिख रहे हैं। ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका एशिया होगा, यहाँ यूरोप है, ठीक है, ये आपका अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसी में देखते हैं हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका में जो आपके मरुस्थल है उन्हें देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका ग्रेट बेसिन मरुस्थल, कौन सा? ग्रेट बेसिन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका के सीराना वादे वादा तथा ओटाह राज्यों में फैला हुआ मरुस्थल है, ठीक है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका के सीराना वादा तथा ओटाह राज्य में, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर यही आपका इरिजोना है, इरिजोना आपका याद रखना है, इरिजोना के बारे में कि ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना तथा नेवादा राज्यों में विस्तृत एक गर्म व शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। फिर आपके यही मोजावी मरुस्थल है, कौन सा? मोजावी। मोजावी के बारे में याद रखिए आप कि कैलिफोर्निया, नवादा एवं एरिजोना राज्यों में फैला है। मोजावी एक उष्ण मरुस्थल है, इस मरुस्थल से कोलोरेडो नदी गुजरती है, ठीक है। फिर आपका सोनोरन मरुस्थल है, कौन सा? सोनोरन
सोनोरन मरुस्थल, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मैक्सिको उत्तरी पश्चिमी भाग में विस्तृत उत्तरी अमेरिका का सबसे सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ एक गर्म मरुस्थल है, ठीक है यह। फिर दक्षिण अमेरिका में तो आपका आटाकामा है, कौन सा? आटाकामा मरुस्थल। जो आपका आटाकामा मरुस्थल है ये चिली तथा पेरू, चिली तथा पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। आटाकामा का मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। फिर आपका पैटागोनिया सी मरुस्थल, कौन सा? पैटागोनिया सीत मरुस्थल। तो इसके बारे में याद रखिए कि यह अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में विस्तृत एक शीतोष्ण मरुस्थल है। मरुस्थल में फॉकलैंड की ठंडी जलधारा का प्रभाव पड़ता है। यह सीढ़ी नुमा मरुस्थल पर्वतीय पादीय मरुस्थल का उदाहरण है, ठीक है। फिर आए हम लोग अफ्रीका महाद्वीप में चलते हैं। अफ्रीका में आपका सहारा मरुस्थल है, कौन सा? सहारा, सहारा मरुस्थल। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा गर्म मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसी मरुस्थल में विश्व का उच्चतम तापमान अल अजीजिया में रिकॉर्ड किया गया। अरग सहारा मरुस्थल का रेतीला क्षेत्र है, जबकि हमदा सहारा की पथरीली मरुभूमि एटलस पर्वत आहागार पर्वत व तिवेस्ती पर्वत इसी मरुस्थल में स्थित है, ठीक है। फिर आपका लीबियाई मरुस्थल, कौन सा? लीबियाई मरुस्थल है ये अफ्रीका में। फिर आपका साहेल मरुस्थल है, आपका कौन सा? साहेल मरुस्थल। याद रखिए सहारा मरुस्थल के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर एक अर्ध मरुस्थलीय पेटी है। साहेल मरुस्थल में माली नाइजर चाड दक्षिणी सूडान के भाग सम्मिलित हैं, ठीक है। फिर नीचे आए आप तो ये नामिब नामिब मरुस्थल है, ठीक है। कौन सा? नामिब मरुस्थल। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में नामीबिया देश का एक शीत जल मरुस्थल है, ठीक है। इसके पश्चिम बेंगुला शीतल जलधारा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। फिर आपका यही कारू मरुस्थल है, कौन सा? कारू मरुस्थल। कारू मरुस्थल ये आपका दक्षिणी अफ्रीका का कारू मरुस्थल केप प्रांत में अवस्थित है। मरुस्थल के कुछ भागों में सिंचाई नहरों द्वारा कृषि की जाती है। यहाँ फसलों में मुख्यतः मक्का, दलहन, गेहूं और जौ तथा तिलहन मुख्य है यहाँ की फसल। ये आपका कालाहारी मरुस्थल है, कौन सा? कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल के बारे में आपको याद रखना है कि यह अफ्रीका के बोत्सवाना देश में स्थित एक मरुस्थल, जिसके पूर्व डेकिंसबर्ग पर्वत और दक्षिण में कारू पर्वत तथा पश्चिम में चेला पर्वत है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई है 914 मीटर। यह आरेंज नदी के उत्तर तथा नागामी झील के दक्षिण स्थित है। यहाँ बुशमैन जनजातियां निवास करती हैं आपकी, ठीक है। फिर आपका ये नुबियन झील नुबियन मरुस्थल है, नुबियन मरुस्थल, ठीक है। कौन सा? नुबियन मरुस्थल। मिस्र तथा सूडान की पूर्वी सीमा पर लाल सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक। फिर ऊपर चलें तो आपका ये ईस्टर्न मरुस्थल है, कौन सा? ईस्टर्न मरुस्थल। जो ईस्टर्न मरुस्थल है ये आपका नील नदी तथा लाल सागर के बीच में मिस्र से अवस्थित या एक मिस्र में अवस्थित यह एक मरुस्थल है। इसमें औसत वार्षिक वर्षा होती है 20 सेंटीमीटर से कम। इसकी मुख्य वनस्पति नागफनी है, ठीक है। फिर आपका ये अल अन्नपूद मरुस्थल है, कौन सा? अन्नपूद मरुस्थल। तो इसके बारे में याद रखिए कि सऊदी अरब के उत्तरी भाग में स्थित लाल बाल का शुष्क मरुस्थल है, जो अधिकतम 225.8 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। यही नीचे आपका रब अल खाली मरुस्थल है, कौन सा? रब अल खाली मरुस्थल। इसके बाद कौन सा? रब अल खाली। याद रखिए इसके बारे में क्या याद रखना है
अरब में विस्तृत ऊष्ण मरुस्थल, जिसमें विश्व में सबसे अधिक रेत पाया जाता है, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है। तेल के भंडार मिलने के कारण इसका महत्व तो बढ़ गया है। ऊपर चलें तो ये आपका यहाँ काराकुम मरुस्थल है। कैस्पियन सागर एवं अरल सागर के मध्य में अवस्थित काराकुम एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। यह मरुस्थल का रेत काले रंग का है, ठीक है, याद रखिए। यही आपका दस्त एक कबीर मरुस्थल है। दस्त कौन सा? दस्त एक कबीर मरुस्थल है, याद रखना है। इसके बारे में ईरान के उत्तरी मध्य भाग में एक नमकीन मरुस्थल, जिसकी औसत ऊंचाई 4,032 मीटर है, इसके दक्षिण पूर्व में 1,612 मीटर ऊंचा एक एक दस्ते लूट पठार स्थित है, ठीक है। फिर आपका ये किजिलकम मरुस्थल है। कौन सा? किजिलकम मरुस्थल। तो इसके बारे में याद रखिए कि उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान के बीच फैला हुआ एक शीतोष्ण मरुस्थल है। इस मरुस्थल में लाल रंग का रेत पाया जाता है, ठीक है। फिर चलें तो ये आपका दस्त एलोथ है। कौन सा? दस्त एलोथ। तो दस्त एलोथ के बारे में याद रखना है, यह उक्त मरुस्थल ईरान के दक्षिण पूर्व में विस्तृत है। यह लवणता युक्त मरुभूमि है, यहाँ खजूर की खेती की जाती है, ठीक है। फिर बात करें तो आते हैं अपने प्यारे थार मरुस्थल के बारे में। कहाँ है थार? भारत के राजस्थान राज्य पर पाकिस्तान के में विस्तृत यह मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के निक्षेप मौजूद है। यह गर्म व शुष्क मरुस्थल है। तो ये आपको थार जो मरुस्थल है पाकिस्तान में भी है और भारत में भी। आपका ये तकला मकान, तकला माकन मरुस्थल कहाँ है? उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम चीन के तरिम बेसिन में विस्तृत यह शीत मरुस्थल है। यह भारी बर्फबारी के फलस्वरूप यह एक निर्जन स्थल है। फिर आपका गोभी मरुस्थल है। कौन सा? गोभी मरुस्थल। तो इसके बारे में याद रखिए, मंगोलिया तथा चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ गोभी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। फिर आए तो आपका ये लोपोनोर मरुस्थल है। लोपोनोर मरुस्थल, तो इसके बारे में याद रखिए कि चीन के दक्षिण पश्चिम भाग में विस्तृत एक शीतोष्ण मरुस्थल है। यहाँ चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र भी है, ठीक है। फिर आए हम लोग दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल। कौन सा? ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तो इसके बारे में याद रखिए कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा के उत्तर तथा किम्बरले पठार के दक्षिण स्थित एक शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। फिर आए गिब्सन मरुस्थल नीचे है। गिब्सन जो मरुस्थल है इसके बारे में आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल के ऊपर उत्तर में अवस्थित एक उष्ण मरुस्थल है। फिर आपका ग्रेट विक्टोरिया है आपका। कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में फैला यह एक उष्ण मरुस्थल है। उष्ण मरुस्थल, इसके किसी किसी भाग पर रेत और कहीं कहीं बंजर चट्टान है। इस मरुस्थल में सोना चांदी के भंडार हुए, ठीक। फिर सैम्पसन। कौन सा? सैम्पसन, सैम्पसन। इसके बारे में याद रखिए कि मध्य ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा के दोनों ओर अवस्थित उष्ण मरुस्थल, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। फिर आपका स्टुअर्ट मरुस्थल है। कौन सा? स्टुअर्ट मरुस्थल। इसके बारे में याद रखिए कि क्वींसलैंड तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित एक शुष्क मरुस्थल जो फ्लिंडर्स पहाड़ियां के उत्तर स्थित है, ठीक है। तो ये थे आपके मरुस्थल, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, स्टुअर्ट मरुस्थल, ठीक है ऑस्ट्रेलिया में। फिर एशिया में ये आपका गोभी मरुस्थल है, लोपोनोर मरुस्थल, थार मरुस्थल, दस्ते लूत, दस्ते कबीर, काराकुम मरुस्थल, किजिलकुम मरुस्थल और तकला माकन मरुस्थल। ये आपका रब अल खाली मरुस्थल, नफूद मरुस्थल, ईस्टर्न मरुस्थल आपका ये अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। ये आपके एशिया के हो गए, यहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया,
अब अफ्रीका में है आपका सहारा मरुस्थल, लीबियाई मरुस्थल, नूबी यन मरुस्थल, साहेल मरुस्थल, नामिब मरुस्थल, कारू मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। फिर बात करते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका, तो आटाकामा मरुस्थल और पैटागोनिया मरुस्थल, शीत मरुस्थल, ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में आपके हैं सोनोरन मरुस्थल, मोजावी मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग इनसे संबंधित जो आपको पॉइंट याद रखना है उनके बारे में थोड़ी देख लेते हैं जानकारी, ठीक है। यह है आपका आटाकामा मरुभूमि, चिली तथा पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ आटाकामा का मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इस मरुस्थल में नाइट्रेट, सोरा, आयोडीन तथा बोरेक्स के भारी भंडार हैं जिनका उपयोग रासायनिक खाद बनाने के काम में होता है। फिर आपका ईस्टर्न डिजर्ट है, नील नदी तथा लाल सागर के बीच में मिस्र में अवस्थित यह एक उष्ण मरुस्थल है। इसमें औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। इसकी मुख्य वनस्पति है नागपनी। फिर आपका गिब्सन का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल के उत्तर में अवस्थित एक उष्ण मरुस्थल है। इस मरुस्थल में वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। फिराक्टिक वनस्पति में ऑस्ट्रेलिया बबूल तथा कांटेदार झाड़ियां मुख्य हैं। कंगारू मुख्य जंगली पशु है यहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है कंगारू। फिर आपका गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया तथा चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। इसमें रेत की मात्रा तो कम है परंतु वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। इस मरुस्थल में शीत ऋतु में बर्फ पड़ती है। यह विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है। फिर आपका ग्रेट बेसिन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सिराने वादा तथा ओटाह है राज्यों में फैला हुआ मरुस्थलीय बेसिन है। इस बेसिन में मृत घाटी तथा मुजावे का मरुस्थल सम्मिलित है। इसी प्रदेश में 1986 में ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क स्थापित भी हुआ, ठीक है। फिर आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में फैला यह एक उष्ण मरुस्थल है। इसके किसी किसी भाग पर रेत और कहीं कहीं बंजर चट्टाने हैं। इस मरुस्थल में सोना चांदी के भंडार भी हैं। फिर बात करें काराकुम, काराकुम मरुस्थल कैस्पियन सागर एवं अरल सागर के मध्य अवस्थित काराकुम एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। इस मरुस्थल का रेत काले रंग का है। आमू नहर की खुदाई करने के पश्चात इसके बहुत से भाग को सिंचित करके कृषि के अंतर्गत ले लिया गया। आमू नहर आसिकाबाद नगर के पास से गुजर कर कैस्पियन सागर की ओर जाती है। यह कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान में विस्तृत है। फिर आपका कारू मरुस्थल, सॉरी दक्षिण अफ्रीका का कारू मरुस्थल केप प्रांत में अवस्थित है। कारू मरुस्थल के कुछ भागों में सिंचाई नहरों द्वारा कृषि की जाती है। मुख्य फसलों में यह मक्का, दलहन, गेहूं, जौ तथा तिलहन मुख्य फसलें हैं। फिर किजिल कुम उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान के बीच फैला हुआ एक शीतोष्ण मरुस्थल। इस मरुस्थल में लाल रंग का रेत है। अरल सागर इस मरुस्थल के मध्य में अवस्थित है। फिर आपका मुजावे कैलिफोर्निया नवादा एवं एरिजोना राज्यों में फैला मुजावे एक उष्ण मरुस्थल है। इस मरुस्थल की से कोलोरेडो नदी गुजरती है जिस पर विश्व की सबसे बड़ी कैनियन पर्यटकों के आकर्षण का स्थल है। हूवर डैम कोलोरेडो नदी पर इसी मरुस्थल में बना हुआ है। फिर आपका रब अल खाली अरब में विस्तृत उष्ण मरुस्थल जिसमें विश्व में सबसे अधिक रेत का पाया जाता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तेल के भंडार मिलने के कारण इसका महत्व बढ़ गया है। फिर आपका साहेल मरुस्थल सहारा मरुस्थल के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर एक अर्ध मरुस्थलीय पेटी है। साहेल मरुस्थल में माली, नाइजर, चाड, दक्षिणी सूडान के भाग सम्मिलित हैं। अफ्रीका के इस भाग में प्रयास सूखे से अकाल की परिस्थिति बनी रहती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं सिंपसन मरुस्थल, मध्य ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा के दोनों ओर
अवस्थित उष्ण मरुस्थल जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। इस मरुस्थल का नाम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष ए सैमसन के नाम पर 1929 में रखा गया। ठीक है, फ्रेवेस्टर्न मरुस्थल लीबिया में फैला हुआ सहारा मरुस्थल का भाग। इस शुष्क मरुस्थल में औसत वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। आपका कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के बोत्सवाना देश में स्थित एक मरुस्थल जिसके पूर्व में डेकिंस पर्वत, दक्षिण में कारू पर्वत, पश्चिम में चेला पर्वत स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई है 914 मीटर। यह आरेंज नदी के उत्तर तथा नागामी झील के दक्षिण स्थित है। यहाँ बुशमैन जनजातियां निवास करती हैं। फिर आपके नूबियन मरुस्थल मिस्र तथा सूडान की पूर्वी सीमा पर लाल सागर के पश्चिमी तट पर अवस्थित एक मरुस्थल है। यह नील नदी के पूर्व स्थित लघु प्लेट भी है जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर स्थित है। यहाँ बद्दू जनजातियां निवास करती हैं। नामिब मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में नामीबिया देश का एक शीत जल मरुस्थल है। इसमें पश्चिम बेंगोला शीतल जलधारा दक्षिण से उत्तर बहती है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा के उत्तर तथा किम्बरली पठार के दक्षिण में स्थित एक शुष्क मरुस्थल है। फिर आपका स्टुअर्ट मरुस्थल क्वींसलैंड तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित एक शुष्क मरुस्थल है जो फ्लिंडर्स पहाड़ियों के उत्तर में स्थित है। अल नपुर सऊदी अरब के उत्तरी भाग में स्थित लाल बालू का शुष्क मरुस्थल है जो अधिकतम 225.8 किलोमीटर चौड़ा है। फिर दस्ते कभी ईरान के उत्तरी मध्यवर्ती भाग में एक नमकीन मरुस्थल जिसकी औसत ऊंचाई 4,032 मीटर है। इसके दक्षिण पूर्व में 1,612 मीटर ऊंचा एक दस्ते लूट पर पठार भी है। आगे फिर हमारा पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में विस्तृत एक शीतोष्ण मरुस्थल है। इस मरुस्थल में फॉकलैंड की ठंडी जलधारा का प्रभाव पड़ता है। यह सीढ़ी नुमा मरुस्थल पर्वत पदीय मरुस्थल का उदाहरण है। एरिजोना मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना तथा निवादा राज्यों में विस्तृत एक गर्म व शुष्क मरुस्थल है। विश्व के सबसे ऊंचे कैक्टस इसी मरुस्थल में पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा इसी मरुस्थल से बहती है। फिर आपका सोनोरन मरुस्थल मैक्सिको उत्तरी पश्चिमी भाग में विस्तृत उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एक गर्म मरुस्थल है। इसका निर्माण कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के प्रभाव से हुआ है। फिर आपका सहारा मरुस्थल यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी पश्चिम भाग में विस्तृत है। इसी मरुस्थल में विश्व का उच्चतम तापमान अल अजीजिया में रिकॉर्ड किया गया। अरब सहारा मरुस्थल का रेतीला क्षेत्र है जबकि हमदा सहारा की पथरीली भूमि है। एटलस पर्वत आहागार पर्वत व तिब्बती पर्वत इसी मरुस्थल में अवस्थित है। फिर आपका थार मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य व पाकिस्तान में विस्तृत यह मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के निक्षेप मौजूद है। यह गर्म व शुष्क मरुस्थल है। फिर तकलामाकन मरुस्थल उत्तर पश्चिमी चीन के तरिम बेसिन में विस्तृत यह एक शीत मरुस्थल है। यह भारी बर्फबारी के फलस्वरूप यह एक निर्जन स्थल है। फिर आपका दस्ते लूत यह उष्ण मरुस्थल ईरान के दक्षिण पूर्व में विस्तृत है। यह लवणता युक्त मरुभूमि या खजूर की खेती भी की जाती है। ठीक है, तरह लोकोनोर मरुस्थल चीन के दक्षिण पश्चिम भाग में विस्तृत एक शीतोष्ण मरुस्थल है। यह चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र भी है। ठीक है, तो ये थे आपके विश्व के प्रमुख मरुस्थल। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख पठारों के बारे में। ठीक है, याद रखें।